हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के मन में एक डाउट बहुत बड़ा चलता है और काफ़ी सारे ऐसे कमेंट भी मैंने पढ़े हैं, तो मैंने चाहा एक वीडियो बनाया जाए और आपको विस्तार से बताया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि लड़का होने के टाइम पर क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और लड़की होने के टाइम पर क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। लड़का होने के टाइम पर क्या खाने का मन करता है, लड़की होने के टाइम पर क्या क्या खाने का मन करता है, इस टॉपिक पर बात होगी। और मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ये लक्षण कितने वर्क करते हैं और इन लक्षणों की क्या 100% सच्चाई है। सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज ये जो वीडियो है वो पूरा खाने के ऊपर है, ठीक है, डाइट के ऊपर है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए जानते हैं। जब एक महिला को मालूम पड़ता है कि वो माँ बनने वाली है, यानी कि जब उनकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है, तो बहुत सारे बदलाव भी उनकी बॉडी में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। अब उनमें से एक ये भी बदलाव है क्रेविंग का होना। काफ़ी गर्भवती महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्रेविंग हर गर्भवती महिला को नहीं होती है, काफ़ी महिलाओं को होती है तो काफ़ी महिलाओं को नहीं होती है। अब काफ़ी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी भोजन पसंद आता है, बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, नूडल, चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें बहुत पसंद आने लगती हैं। लेकिन काफ़ी महिलाओं के साथ बिल्कुल अपोजिट होता है, क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती है, खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, क्रेविंग होना, देखो, अच्छी बात है, क्रेविंग होती है, लेकिन आप अपनी ऐसी क्रेविंग पर रोक लगाइए। जैसे कि बाहर की चीज़ों का ज़्यादा मन कर रहा है तो आप बाहर की चीज़ें मत खाइए। बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने से आपको पेट संबंधी कई समस्याएँ हो सकती हैं, बेबी को परेशानी हो सकती है, तो ये चीज़ें, जंक फूड वगैरह, ये चीज़ अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। तीखा खाने का मन कर रहा है तो तीखा बिल्कुल मत खाइए, उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट लीजिए, किशमिश का सेवन करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं बच्चे के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती हैं। तीखा मसालेदार भोजन, ये बच्चे के लिए और आपके लिए भी नुकसानदायक है। घर का बना हुआ भोजन करें और ज़्यादा स्पाइसी भोजन से भी आपको परहेज करना है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी आप खाएंगी तो इससे बच्चे को अंदर दिक्कत होगी, आपको पेट संबंधी कई समस्याएं होंगी, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में जलन हो सकती है, गैस की दिक्कत हो सकती है, आपका पेट भी फूल सकता है, तमाम दिक्कतें पेट संबंधी होने लगती हैं। अब काफ़ी महिलाओं को कच्चे चावल खाने का भी मन करता है, तो ऐसी क्रेविंग अगर आपको हो रही है तो सबसे बेस्ट उपाय है आप ड्राई फ्रूट का सेवन करें। अगर शुरुआती महीने चल रहे हैं तो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा नहीं लेने हैं, आप किशमिश खा सकती हैं, ठीक है। आप बिस्किट वगैरह खा सकती हैं क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, ठीक है, फ्रूट वगैरह खाइए ताकि बच्चे को नुकसान ना हो, लेकिन गलत क्रेविंग पर आपको भाई रोक तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होगी, तीखा खाने का मन करता है तो लड़का होगा। अब काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी गर्भवती महिलाओं को मीठा खाना अच्छा लगने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब मैं इस टॉपिक पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप थोड़ी मात्रा में खाइए। देखिए, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो नुकसान तो करती है। और प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को ज़्यादा मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। तो मीठा आप बिल्कुल ना खाएं जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अगर प्रेगनेंसी पूरी तरह से हेल्दी है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप मीठी चीज़ का सेवन कर सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मात्रा में करना है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसका लड़का और लड़की से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये आपके हार्मोनल बदलाव के ऊपर ही ये चीज़ें डिपेंड होती हैं, ठीक है। क्रेविंग होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे प्रेगनेंसी से पहले था। तो ये लड़का होने के लक्षण 100% वर्क नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।